तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मार्शल अचीवमेंट कंप्लीट करने का तरीका बताऊंगा। तो इसमें गाइस आप लोगों को बंदूक को बैन करना होता है, इसके बारे में आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। तो इसलिए गाइस वीडियो को जरूर शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो गाइस मैं टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे कर लो, ताकि गाइस आने वाली हर एक न्यू इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और लीक्स वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को ये अचीवमेंट दिखा देता हूं। ये गाइस आप लोगों को अचीवमेंट्स के अंदर आकर जनरल के अंदर यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसमें गाइस टोटली हमारे पास दो मिशन होने वाले हैं। इसमें गाइस आप लोगों को टोटली 10 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अगर गाइस आप लोगों को यूनिक डेस्टिनी के लिए 5 या 10 अचीवमेंट पॉइंट्स चाहिए तो गाइस आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके अंदर गाइस टोटली दो मिशन है। सबसे पहले मिशन में इन्होंने आप लोगों को बोला है आप लोगों को टोटल 3 यहां पे रिपोर्ट्स करनी है। सेकंड लेयर में गाइस इन्होंने बोला है आप लोगों को एक मेल रिसीव होनी चाहिए पबजी मोबाइल की तरफ से, जिसमें गाइस उन्होंने आप लोगों को बताया कि जिसको आप लोगों ने रिपोर्ट की थी वो बंदा परमानेंटली बैन हो चुका है। यानी कि अगर साफ लफ्ज में बताऊं तो गाइस आप लोगों को किसी भी एक बंदे को रिपोर्ट करनी होगी, कोई ऐसा बंदा करना होगा जिसको गाइस आप लोग रिपोर्ट कर दो तो गाइस वो परमानेंटली बैन हो जाए, तो गाइस आप लोगों की सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए गाइस अब मैं आप लोगों को बता दूं आप लोग रिपोर्ट्स कैसे कर सकते हो या किसी भी बंदे को बैन कैसे कर सकते हो, आप लोग कैसे चेक कर सकते हो कि कौन सा बंदा हैकर है भी कोई या नहीं है। तो इसके लिए गाइस मैं आप लोगों को ये प्रेफर करूंगा आप लोग रैंक में आओ। यहाँ पे गाइस आप लोगों को आके सिंपली डुओ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इधर गाइस आप लोगों ने टॉप 100 की रैंकिंग में आके लास्ट पे आ जाना है। तो यहाँ पे गाइस आप लोगों ने आके किसी भी रैंडम 3 लोगों को सिंपली रिपोर्ट कर देनी है। तो पहले वाले लेयर गाइस आप लोगों की यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड लेयर में गाइस आप लोगों ने एक परमानेंट बंदे को बैन करना है। गाइस आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी लेवल की आईडीज होंगी, जैसे कि गाइस ये देख सकते हैं 40 लेवल की आईडी, गाइस आप लोगों ने सिंपली इनको रिपोर्ट कर देनी है। यहाँ पे गाइस आप लोगों ने चीटिंग पे करके, वॉल हैक पे करके या सब पे टिक लगा के इनको रिपोर्ट कर देनी है। आप लोगों को गाइस मैं कंफर्म बताता हूँ 100% आप लोगों को कोई एक ना एक बंदा यहाँ पे परमानेंट आपकी रिपोर्ट से बैन हो जाएगा। मैंने भी इसी ट्रिक से ही अपनी ये वाली अचीवमेंट कंप्लीट की। आप लोगों ने गाइस यहाँ पे जितने भी बंदे होंगे जिनकी आईडी के लेवल कम होंगे, रॉयल पास नहीं लगवाया होगा, आप लोगों ने गाइस सिंपली उनको यहाँ पे रिपोर्ट कर देना, क्योंकि गाइस डुओ में ज्यादातर हैकर आते हैं। गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी। गाइस वीडियो को जरूर से लाइक कर दो, चैनल पे अभी तक नए तो गाइस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, दो में याद रखिए, अल्लाह हाफिज।